ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश। अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान ने हमें कुछ काबिल समझा है, तभी तो हमें इस धरती पर भेजा है। हम अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं आए, उन्होंने हमें किसी न किसी लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। जो भी होता है सब परमात्मा की मर्जी से होता है, इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कर्ता करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है, हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं। जैसे वो हमसे कराना चाहते हैं वैसा ही हम करते हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए किस बात की चिंता, किस बात का भय? जब आपके जीवन में चिंता और परेशानी आती है तो आप दुखी हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है। क्या आपके दुखी होने से आपकी चिंता और परेशानी कम हो जाती है? नहीं। तो फिर आप सब कुछ उस परमात्मा पर क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि जो होना है वह हर हाल में होकर रहेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो नहीं होगा उसे कोई चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले, तब भी हम उसे नहीं कर सकते। इसलिए सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़कर हमें उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका ध्यान करते रहेंगे तो हमें दुख और परेशानी कभी आएगी ही नहीं। जब दुख आता है तभी हम उस परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन अगर सुख में ही उसका नाम जपेंगे तो दुख तो जीवन में कभी आएगा ही नहीं। किसी किसी भक्त की तो पूरी उम्र बीत जाती है परीक्षा देते देते, लेकिन जिसके पास धैर्य रूपी हथियार है उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। शिक्षा और संस्कार एक ऐसे दो गुण हैं जो हमें जीवन में कभी हारने नहीं देते। जितना हो सके जहाँ चाहे उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि इनका कभी कोई अंत नहीं होता, और आप जितना दूसरों को बांटेंगे उतना ही आपके संस्कार और शिक्षा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये बांटने से कम नहीं होते बल्कि दुगना हो जाते हैं। और आप शिक्षा और संस्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं। इसलिए धैर्य के साथ हर कदम को बढ़ाते चले जाइए, एक एक कदम बढ़ाते जाइए तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव।